नहीं छाड़ सकती। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इकरा सलीम और आज एक दफा फिर मैं मौजूद हूँ इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इल्मी सिटी लाता है बहुत सारे मालूमाती सेशंस आप लोगों के लिए, इसी तरह आज का जो सेशन मैं लेके आई हूँ वो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग देखते हैं कि डेली बेसिस पे मैं जब भी कोई सेशन लेके आती हूँ किसी ना किसी गेस्ट के साथ मौजूद होती हूँ, लेकिन आज का जो सेशन है वो थोड़ा सा हटकर है। आज मैं एक सोलो सेशन पे इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद हूँ और मैं टॉपिक भी एक वो लेके आई हूँ जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और जिससे आप बहुत कुछ मालूम हासिल कर सकते हैं, और ये वो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी जिससे आप बहुत कुछ फायदा उठा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आप अपनी जिंदगी में जो स्किल्स आपको आते हैं आप वो स्किल्स हासिल करते हुए भी बहुत कुछ अर्न कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, उन स्किल्स के साथ साथ आप पैसे भी कमा सकते हैं। आप लोग देखते हैं कि पाकिस्तान में बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट है कि जी हमें जॉब नहीं मिलती या हम अर्न नहीं कर पाते, लेकिन हम ये देखते हैं कि हम खुद मेहनत नहीं करते, खुद कोशिश नहीं करते, हमारे पास बहुत सारे स्किल्स होते हुए भी हम नाकारा होके बैठे होते हैं, हम बिल्कुल ब्लैंक होते हैं और हम कहते हैं जी हमें तो नौकरी नहीं मिल रही, हमारी तो पढ़ाई जाया हो गई, मुझे ये चीज आती है लेकिन मैं ये चीज अर्न नहीं कर सकती, मुझे ये चीज आती है लेकिन मैं इसका क्या करूं, इसका तो कोई फायदा नहीं है। आज मैं आप लोगों को ये सब बताऊंगी कि जो जब भी हमें कुछ भी आता है तो यकीन करें कुछ भी फजूल नहीं होता। आप लोगों को अगर कोई चीज आती है तो उसका सिला आपको जरूर मिलता है, बस आपने उसमें इनपुट देनी होती है। इनपुट कैसे देते हैं आज हम वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। मेरा स्पेसिफिक टॉपिक जो आज यहाँ पर आने का है वो फ्रीलांसिंग के अकॉर्डिंग है। फ्रीलांसिंग क्या है, कैसे होती है, किस तरह है और हम उससे क्या क्या फायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले एक फ्रीलांसिंग टर्म जो है वो क्या है, हम उसको अगर डिस्कस करें। फ्रीलांसिंग टर्म जो है ये या जिसे हम कहते हैं जी फ्रीलांसर पर्सन जो है, हम उसको हर किसी पे यूज नहीं कर सकते। जैसे हर किसी पे यूज नहीं कर सकते उसको थोड़ा सा मैं अगर और एक्सप्लेन करूं तो वो इस तरह है कि हम ये टर्म हर जॉबियंस पे यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ये वो लोग होते हैं जो कि खुद अर्न करते हैं, अपने स्किल्स को यूज करते हुए वो अपनी अर्निंग करते हैं, खुद काम करते हैं, खुद कमाते हैं और हर चीज को बहुत अच्छे से लेके चलते हैं, ठीक है। ये वो लोग होते हैं, इनकी कमिटमेंट जो होती है वो ये वो लोग खुद करते हैं, जो कंपनीज वाले होते हैं ना, इंडस्ट्रीज वाले होते हैं वो इनके साथ खुद डील नहीं करते, ये लोग डील करते हैं और जो डील होती है वो इनकी पसंद की होती है, वो प्रोजेक्ट करते हैं जिनमें ये लोग एक्सपर्ट होते हैं, एक्सपर्टीज इनके पास होती है और ये काम है वो अपनी मर्जी से कर सकते हैं। आप देखें कि ये बहुत काम है, जैसे आप लोग देखें ये बहुत अच्छा काम है क्योंकि हर बंदा जो है यहाँ पर फ्रीलांसर बनना है लेकिन उसको प्रॉपरली वे में यूज नहीं करता। अब अगर हम फ्रीलांसिंग की डेफिनेशन से हट जॉब्स क्या क्या अवेलेबल होती हैं, मतलब क्या क्या स्किल्स होने चाहिए जिसपे हम लोग इन चीज को अप्रोच कर सकते हैं, हम इसकी कुछ वेबसाइट पे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम देखें कि एक्सपर्टीज जो है वो मैंने बहुत सारे देखा है कि लोग ले लेते हैं लेकिन उसको यूज नहीं करते। तो उसमें डिवेलपर जो है, डिजाइनर्स जो है उनकी बहुत ज्यादा फ्रीलांसिंग होती है। आपको आप बहुत अच्छे अगर राइटर हैं वो इंग्लिश में है या उर्दू में है तो तब भी बहुत ज्यादा मार्केटिंग आपकी होनी चाहिए, ठीक है। कॉपी राइटर अगर आप हैं तो तब भी वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आप ट्रांसलेटर हैं, फोटोग्राफर हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना, क्योंकि आजकल तो वैसे ही आप देखें कि हमारी सोसाइटी में फोटोग्राफर की और ये तो बहुत ज्यादा पॉइंट्स हैं कि जी आप बहुत अच्छे से अगर पिक्स खींच लेते हैं किसी भी चीज की, नेचुरल ब्यूटी हो या किसी पर्सन की हो, तो लोग आपको तब भी हायर कर लेते हैं क्योंकि एक ये ट्रेंड बना हुआ है। टिकटॉक को देख लें कि अगर लोग आपको अच्छी पिक्स में देख लें, अपना न्यू ड्रेस ले प्रॉपर सेशन कराते हैं तो ये भी एक प्रोजेक्ट आप साइन करते हैं, इससे भी आप काम कर सकते हैं। वीडियोग्राफर, ये सब जॉब्स जो हैं ये हमारी फ्रीलांसिंग में बहुत ज्यादा अवेलेबल होती हैं और बहुत सारे लोग इसमें एक्सपर्ट होते हैं लेकिन सिर्फ उनको उनको पता नहीं होता कि हम अपने स्किल्स किस तरह यूज करें, सो उस बिहाफ पे वो लोग अपने इन स्किल्स को जो है वो यूज नहीं कर पाते, अपने स्किल्स को अपने अंदर ही रहने देते हैं जिसकी वजह से ये सब जो है वो फेस करना पड़ जाता है।
जी, मैं अपने ऑडियंस से बार बार कहूंगी कि आपको हमारे व्हाट्सएप का नंबर शो हो रहा होगा नीचे टाइटल पे, आप यहाँ से करके सारी डिटेल्स भी ले सकते हैं। जैसे मैं आपको फ्रीलांसिंग के बारे में बता रही हूँ, फिल्मी सिटी का एक प्रोजेक्ट है, वो इस पर काम भी कर रहा है। अगर आपको मजीद डिटेल्स चाहिए हैं या कुछ भी चाहिए, तो आप इस नंबर पे कॉल करके हर किस्म की डिटेल ले सकते हैं। फिल्मी सिटी के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी हैं, वो इस सिलसिले में और भी हैं, तो उनमें से एक प्रोजेक्ट ये भी है। आप इसको बहुत अच्छे से इस नंबर पे कॉल करके सब कुछ जो है आप यहाँ से डिटेल ले सकते हैं। जी नबीला, अगर आपने मेरा लेट सेशन ज्वाइन किया है, तो मैं आपको एक बड़ी अच्छी डेफिनेशन बता चुकी हूँ कि फ्रीलांसिंग है क्या। ये सीखते नहीं है, ये वो स्किल्स होते हैं जो आप अपने ऑन पे सीखते हैं और फिर उससे आप पैसे कमाते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग देखें कि आप अगर वो सेशन देखें आप मेरे से, तो उसमें मैंने बताया है कि यहाँ पे कंपनीज जी नबीला को मैं जवाब दे रही थी कि मैं आपको ये बता रही थी कि फ्रीलांसिंग जो है ये सीखते नहीं है, ये आपके अपने स्किल्स होते हैं जिसको आप यूज करते हैं। अगर कोई स्टूडेंट है मार्केटिंग का, आईटी का, उसके लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इसके आगे आगे हम और चीजें डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी सिर्फ हमने कुछ इसकी डेफिनेशंस को और हमने इसकी जॉब्स को डिस्कस किया है, हमने प्रॉपर देखा है कि फ्रीलांसिंग है क्या। अच्छा, अगर हम अब इस पे देखें कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, कि हम फ्रीलांसिंग स्टार्ट कैसे करते हैं, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आप किन चीजों के अंदर महारत हासिल करते हैं। आप किन चीजों के अंदर जो है वो महारत हासिल करते हैं, क्या क्या चीज में आप एक्सपर्ट हैं, क्या क्या चीजें आपको बहुत अच्छे से आती हैं, क्या आप उन चीजों को लेके मार्केट में जा सकते हैं। अगर मैं बहुत सिंपल और सादा लफ्जों में बात करूं, यहाँ पे एक मैं कमेंट भी देख रही थी, शायद वो हाउसवाइफ हैं या हाउस गर्ल हैं, तो आप ये देखें कि आप बहुत अच्छे से अगर डिजाइनिंग कर सकती हैं, स्टिच कर सकती हैं कपड़े, तो आप इस चीज को बहुत अच्छे से अपनी मार्केट में लेके आ सकती हैं। आप अपना खुद का ब्रांड बना सकती हैं, आप खुद को एडवर्टाइज करवा सकती हैं। तो ये वो चीज है जो आपके अंदर मौजूद है, आपने किसी से लिया नहीं है, आपने किसी के अंदर लिया किसी से लिया नहीं है, ना किसी से सीखा है, ये आपने कभी ना कभी सीखा होगा। अगर आप उस पर मजीद मेहनत करेंगी, मजीद फोकस करेंगी, तो आप ये चीज भी ले सकती हैं, और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप देखें तो आप अपना ब्रांड बहुत अच्छे से बना सकती हैं, दो चार डिजाइनिंग है वो चेंज कर सकती हैं, जब आप उसमें चेंज करेंगी तो वो एक न्यू ब्रांड बन जाएगा, एक न्यू डिजाइन आ जाएगा जिसकी आप एडवर्टाइजमेंट करवा सकती हैं, आप किसी को सेल कर सकती हैं, उस ब्रांड का अपना नाम रख सकती हैं, आपका अपना ब्रांड होगा। तो इसको भी आप फ्रीलांसिंग कह सकते हैं। आपने तो ये किसी से नहीं सीखा, ये आपका अपना स्किल था जिसपे आपने मजीद मेहनत की, उस पर फोकस किया और उसको एक बहुत अच्छा सा ब्रांड बना लिया। तो सबसे पहले आप मार्केट में आए तो अपना ब्रांड सीखें, आप खुद को ब्रांड बनाएं। जब आपका एक नाम ब्रांड में बन जाता है ना, तो फिर हर बंदा आपको अप्रोच कर लेता है, क्योंकि आपको उसके लिए फेमस होना पड़ता है। और जब हमने इस काम के लिए मेहनत करनी होती है, तो हमें उस पर बहुत ज्यादा फोकस भी देना पड़ता है। और जैसे अगर अभी एक मैं कमेंट भी देख रही थी कि जी एक्सपीरियंस का अगर हम देखें, तो उसमें कोई बात नहीं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप शुरू तो करें, आप देखें, विजिट करें, डिफरेंट वेबसाइट्स को देखें, डिफरेंट आर्टिकल्स देखें, डिजाइन्स देखें। अगर कोई आप वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, तो आप डिफरेंट उन बंदों से मिलें जिन्होंने वेबसाइट्स बनाई हुई है, उन सब चीजों को फोकस करें, तो आप देखेंगे कुछ स्किल्स लर्न करना चाहते हो, तो आप ये देखेंगे कि आप आहिस्ता आहिस्ता हर चीज सीख जाएंगे। आइडियाज लें डिफरेंट जगह से, जब आपके पास बहुत सारे आइडियाज इकट्ठे आ जाते हैं, तो एक आइडिया जो है वो आपका अपना भी बन जाता है, तो उससे वो जो आपका अपना आइडिया बनता है, उससे और भी बहुत कुछ हो जाता है। उसके बाद अगर हम लोग खुद देखें कि अगर जैसे स्टूडेंट्स हैं आईटी के, तो उसको हम लोग किस तरह देखेंगे, आप लोग अपनी बहुत अच्छी से अपनी अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। और अगर हम देखें कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको तो ये चीजें सिखाई जाती हैं कि आप जब ब्रांड बने, अपनी वेबसाइट बनाएं, तो उसको किस तरह एडवर्टाइज करें और उस पर किस तरह काम करें और सब चीजों को किस तरह मैनेज करें, उस तरह के लोगों से मिलें,
जो कि आप लोगों को नहीं जानते, और आपको ये पता हो कि जी ये जो लोग हैं ये बहुत अच्छा काम करते हैं, ये फ्रीलांसर हैं, ये मार्केट में काम करते हैं, और हम उनके साथ बैठे हैं, उनके साथ मीटिंग्स रखे हैं, कुछ मीटअप रखे हैं, उनसे उनका एक्सपीरियंस जो है वो लें, तो हम ये सब चीजें जो है वो बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, इट्स डिपेंड ऑन अस के हम अपने काम को किस तरह लेके चल रहे हैं। सर देखिए, मैं आपको कमेंट बिल्कुल पढ़ रही हूँ, और इसमें मैं आपको ये भी जवाब देती जाऊं कि ऐसा नहीं होता कि कोई भी इंसान जो है उसके पास कोई स्किल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब आप दुनिया में पैदा होते हैं ना, तो आपके पास एक रोने का स्किल होता है, जिसके थ्रू आप अपनी बात मनवा लेते हैं, अपनी अम्मा से कहते हैं कि जी आपने, जब आपको कोई चीज चाहिए हो, जरूरत हो, आप रोते हैं, बच्चे रो के बात बता देते हैं, तो उसके पास ये एक स्किल होता है, एक महारत है। और आप जिंदगी के जिस हिस्से में, और आप कह रहे हैं कि आपके पास स्किल नहीं है, आप प्लीज खुद को थोड़ा टाइम दें, खुद पे सोचें, अपने कह लें कि इनर वॉइस जो है उसको सुने, और आपको जरूर पता चल जाएगा कि आपके अंदर क्या स्किल है, और जिसको आप निग्लेक्ट करके कह रहे हैं कि जी मेरे अंदर ये स्किल नहीं है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपके पास कोई स्किल ना हो और आप कहें कि जी मैं दुनिया में ऐसे, कोई भी इंसान ऐसे नहीं है। बड़ी सिंपल सी एक मैंने बच्चे से मिसाल दे दी है, और आई थिंक सो कि आपको आपका जवाब जो है वो मिल गया होगा। और इसके साथ अगर हम देखें कि हम देख रहे थे कि प्रायोरिटी किन चीजों को देनी चाहिए, तो आप सबसे पहले हमने ये पॉइंट बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया कि किन किन चीजों पे आपका फोकस होना चाहिए। अगर आप बिल्कुल न्यू है मार्केट में, तो आपने किन का, और जी ये मैं आपके लिए भी ये कहूंगी कि अगर आप बिल्कुल न्यू है मार्केट में, जैसे भी आपने कहा कि मेरे पास तो कोई स्किल नहीं है, आप ये देखेंगे कुछ तो स्किल होगा आपके पास। हो सकता है आपके पास डीलिंग का बहुत अच्छा स्किल हो, जिसको आप बहुत अच्छे से किसी से डील करके किसी का बिजनेस रन कर सकते हैं, तो ये भी एक वर्क है। आप किसी से बहुत अच्छे से बात करके और हर चीज बहुत अच्छे से उसको कन्वे कर सकते हैं। अपने स्किल कैसे पहचाने, आप अगर खुद को टाइम दें और देखें, तो उसमें सबसे पहले आपको पता चल जाता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो पढ़ाई में अच्छे नहीं होते, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो बहुत खूबसूरत होते हैं, किसी और काम में बहुत अच्छे होते हैं। आप अपनी जो है ना पास्ट एक्सपीरियंस देखें कि किस काम में सबसे ज्यादा आपने एक्सपीरियंस हासिल किया हुआ है, किस काम में सबसे ज्यादा आपको कह लें कि बेनिफिट्स हुआ है, आपकी तारीफ हुई है, अप्रिसिएशन हुई है, इसका मतलब है कि आप उस काम में एक्सपर्ट हैं, तो आप उस काम को आगे लेके चलें, और उस काम को फिर आगे कैसे लेके चलना है, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे जिस मेंटल पॉइंट्स होते हैं, आप खुद को जज करें, उस काम को इम्प्रूव करें, और इन सब चीजों पे फोकस करें। तो ये सब चीजें जो हैं, मैं फिर एक दफा अपने ऑडियंस को इंगेज करती जाऊं इस चीज के साथ कि आपको मेरी स्क्रीन पे एक व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पे आप डिटेल करके कॉल करके डिटेल ले सकते हैं फ्रीलांसिंग की, ऑनलाइन ऑनलाइन बिजनेस की। जो अलमी सिटी है, उन्होंने ये प्रोजेक्ट शुरू किए हैं डिफरेंट पे, और सब चीजें जो हैं वो लोग आपको बहुत डिटेल से बता देंगे। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्यूरी है, आप फोन करके हर चीज की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आप ये कोर्स भी कर सकते हैं, और स्पेशली जो जॉबियंस हैं, और इन सब चीजों को आप बहुत अच्छे से डिटेल से बता सकते हैं, क्योंकि इस टाइम तो शॉर्टेज ऑफ टाइम में आपको इतनी डिटेल नहीं दूंगी, लेकिन जितनी दूंगी वो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, जो रह जाएगी आप कॉल करके पूछ सकते हैं। जी अगर हम अब अपना सेशन आगे बढ़ाएं, जी मैंने आपका कमेंट देख लिया है, तो मैंने इसलिए आपको पहले ही कह दिया था कि ऐसे नहीं होता कि कोई भी इंसान विदाउट किसी स्किल्स के इस दुनिया में फिर रहा हो, तो ऐसे कभी नहीं हो सकता। जी जजाकला, अब हम आगे देखें। अच्छा, सबसे ज्यादा वैसे आजकल जो मार्केट में इन है वो ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत इन है। ठीक है, आपको राइटिंग बहुत अच्छी आनी चाहिए, आप जैसे नोवेल राइट करते हैं, आप किसी की असाइनमेंट बना सकते हैं, आप किसी के प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, रिसर्च वर्क कर सकते हैं, आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, आपका लिटरेचर अच्छा होना चाहिए। ये तो फ्रीलांसिंग में एक स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली अगर मैं स्पेसिफाई करूँ, तो ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। वहां पे आप लोग ये सब कुछ कर सकते हैं, आप अपना एक अकाउंट बनाएं और वहां पे अपनी ये सारी चीजें बताएं, तो आपको बहुत जल्दी प्रोजेक्ट मिल जाते हैं, क्योंकि अगर आपका लिटरेचर अच्छा है तो रिसर्च के स्टूडेंट्स बहुत जल्दी आपको अप्रोच कर लेते हैं, और ये सब चीजें। और इसके अलावा अगर हम बेनिफिट्स की तरफ आए, तो अगर हम ओवरऑल वर्ल्ड में देखें, तो सबसे ज्यादा हमारे जो पाकिस्तान है, जो इम्प्रेशन डालते हैं या उनपे बहुत ज्यादा इम्प्रेशन होता है, वो यूके और यूएस के लोगों का बहुत होता है कि जी वो लोग बहुत अच्छे हैं या वो लोग बहुत मेहनती है। तो अगर मैं आपको फ्रीलांसिंग की इम्पोर्टेंस बताते चलूं, तो
जी बिल्कुल, इल्मी सिटी वाले ये फ्रीलांसिंग का कोर्स करवा रहे हैं, उसमें आपको हर चीज की डिटेल बड़ी बड़े अच्छे से बताते हैं। उसमें आपके जो स्किल्स हैं उनको अब मजीद प्योरिफाई किया जाता है और वो यूज किए जाते हैं। तो आप इस चीजों पे फोकस करें, आपको सामने स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है, आप इस पे कॉल करके हर चीज की डिटेल जो है वो ले सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर मेरा शो हो रहा होगा आपको, नीचे आप कॉल करके हर चीज की डिटेल ले सकते हैं। और इल्मी सिटी इसके अलावा भी और बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो आपको जिस पे जो भी सीखना है आप बहुत अच्छे से एडमिशन ले सकते हैं। और ऑनलाइन सेशंस ही वो लोग कंडक्ट कर रहे हैं और वीकेंड पे कंडक्ट कर रहे हैं। जी अब हम बात कर रहे थे कि फ्रीलांसिंग की इम्पोर्टेंस की। फ्रीलांसिंग की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, हमारे पाकिस्तानी बहुत ज्यादा मानते हैं यूके एंड यूएस में। और अगर मैं बताती चलूँ कि यूएस में 53% जो लोग हैं वो फ्रीलांसिंग पे काम करते हैं, और अगर हम बात करें यूके की तो उसमें 1.4 मिलियन। देखिए कहाँ कितने ज्यादा लोग वहां पे काम कर रहे हैं, इस चीज को कितना ज्यादा बेनिफिट ले रहे हैं। और आई डोंट थिंक सो कि ये कोई आसान वर्क, इतना टफ वर्क है और ना ही इतना आसान वर्क है, दोनों साइडों पे। जो हम इसमें ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि काम जो है वो तो मेहनत से ही है, अब वो फ्रीलांसिंग का हो या जॉब का, लेकिन कुछ थोड़े से बेनिफिट्स जो हैं वो हम देखेंगे लेकिन लास्ट पे। और आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि फ्रीलांसिंग जो है वो कितना ज्यादा जो है आप लोगों के लिए बेनिफिट्स है। जी मैं आपको जरूर बताऊंगी वेबसाइट्स, लेकिन इन द एंड ऑफ द सेशन इंशाल्लाह। अभी हम थोड़ा सा अगर इसके पॉइंट्स डिस्कस करें कि फ्रीलांसिंग में अगर हम अपना अकाउंट बनाते हैं तो हम उसमें कैसे, मतलब अपने क्लाइंट्स को किस तरह हासिल कर सकते हैं, किस तरह अप्रोच कर सकते हैं, या हमें कोई कैसे जान सकता है कि जी ये फ्रीलांसर है आज, जिसने एज अ रिसर्चर कह लें कि इसने अपना अकाउंट बनाया है, या ये बहुत अच्छी वेबसाइट बनाता है, ये बहुत अच्छा ग्राफिक डिजाइनर है, ये बहुत अच्छा मतलब किसी ये पिक्चर्स बहुत अच्छी, फोटोग्राफर बहुत अच्छा है, तो लोगों को किस तरह पता चलेगा कि इसमें ये फ्रीलांसिंग में इसका अकाउंट है तो ये अच्छा। अब यहाँ पे एक सबसे पहले जो मेन बात मैं करूंगी वो ये है कि फॉरेन से आपको पता नहीं, लोगों को नहीं पता चलता कि आप मार्केट में एक ब्रांड बन के आए हैं, और लोगों को नहीं पता होता कि आपके पास ये स्किल्स हैं। आपने अकाउंट बना लिया, आपने वहां पे ऑप्शन भी होती है कि स्पेसिफाई करें कि जी मेरा ये चीज सबसे ज्यादा जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, या मैं इसमें बहुत एक्सपर्ट हूँ, मैं ये बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। तो उसमें आपको ये नहीं कि आज आपने प्रोजेक्ट बनाया, अपना अकाउंट बनाया, नेक्स्ट डे आपको प्रोजेक्ट मिल गया। कम से कम भी 1 मंथ और 2 मंथ, और कभी कभी तो ऐसे होता है 3 to 4 मंथ आपको आराम से लग जाते हैं कि लोग आपको जान रहे होते हैं। जब भी आप देखें किसी कम्युनिटी में जाना होता है तो वहां पे आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, और वहां पे लोगों को से मिलना होता है, उस कम्युनिटी में अपनी जगह बनानी होती है। जैसे ही अगर आप एक सिंपल एग्जांपल दूं कि जब आप जॉब करते हैं तो आपको जब सीवी कहीं देते हैं तो आपको फॉरन से जॉब नहीं मिल जाती, 3 4 जगह पे अप्लाई करते हैं, फिर वेटिंग लिस्ट में आते हैं, तब तक हम साथ साथ एक्सपीरियंस ले रहे होते हैं, तो नेक्स्ट आहिस्ता आहिस्ता करके फिर आपको एक अच्छी सी जॉब मिल जाती है। सेम इसी तरह फ्रीलांसिंग में है, जब आप फ्रीलांसिंग का देखें रैंक करते हैं। जी मैं आपको बताती हूँ जी, अब अगर आप देखें फ्रीलांसिंग पे तो जब आप वहां पे उस वेबसाइट पे अपना अकाउंट बनाते हैं तो सबसे वहां पे स्पेशलिटी होती है कि आप लोग अपना उस अकाउंट को मतलब अपने नेम से बताएं, वहां पे बताएं कि जी मेरा ये फोकस पॉइंट है, मैं इसमें बहुत अच्छी ग्रिप रखता हूँ या रखती हूँ। तो अब आपको फिर वहां पे स्पेसिफाई हो जाता है कि जी ये वेब डिजाइनर है, ये ग्राफिक डिजाइनर है, और ये चीज जो है वो बहुत अच्छे से डिजाइन कर लेता है, ये रिसर्च का स्टूडेंट है तो उसकी लिटरेचर इतनी अच्छी है, तो ये इस सब्जेक्ट में, जैसे रिसर्च तो किसी भी सब्जेक्ट में हो जाती है, अगर साइकोलॉजी का है, अगर वो बायो का है, बॉटनी का है, जोलॉजी का, तो वहां पे स्पेशलिटी अपनी मेंशन जरूर करे कि जी मेरी रिसर्च बहुत अच्छी है तो मैं इस पे बहुत अच्छा जो है वो रिसर्च जो है वो कर सकता हूँ। तो यहाँ पे एक पॉइंट जो है सॉलिड आपके पास ये भी आ जाता है। उसके बाद अगर हम देखें आपको 1 मंथ या उससे ज्यादा तो जरूर वेट करना पड़ता है, आपको उस कम्युनिटी में अपनी प्लेस बनानी पड़ती है, लोगों से बात करनी पड़ती है, और सब कुछ जो उसके बाद आपके पास जो डेटा है, यानी कि अगर आप बॉटनी के स्टूडेंट हैं तो अगर आप उस पर रिसर्च कर रहे हैं तो आपको उसमें बहुत सारी एक्सपर्टीज होनी चाहिए, आपको हर तरह से लिटरेचर रिव्यू पढ़ना आना चाहिए, आपको कोई भी टॉपिक दे दिया जाए आप उस पर बहुत आराम से बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें जो हैं
आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है कि इतना टफ नहीं है, लेकिन ये है कि जो भी काम करें आप उसमें बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होने चाहिए कि जी ये काम मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ या मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। वो वेबसाइट बनाना हो, वो लोगो बनाना हो, वो कोई भी काम हो। जी मैं आप लोगों के मैसेज पढ़ रही हूँ और मैं आई होप सो कि सबका रिप्लाई कर रही हूँ, और उन लोगों का जिनका रिलेटेड टू टॉपिक है, रिलेटेड टू मेरे आज के सेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैं उनको रिप्लाई कर रही हूँ। और आपसे भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज जो भी कमेंट करें मेरे सेशन से रिलेटेड करें, तो इंशाल्लाह आपको भी जवाब दे दिया जाएगा। अच्छा, उसके अलावा अब तो हमने एक वेबसाइट की बात कर ली, उसके अलावा आप अगर बहुत अच्छे ब्लॉगर हैं तो आप उसमें भी बहुत ज्यादा फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। आप राइटर हैं और कंटेंट राइटिंग करते हैं, कंटेंट राइटिंग तो बहुत अच्छा एक कह लें कि पॉइंट है फ्रीलांसिंग पे। वो तो आपको कोई स्टूडेंट भी दे देता है कि जी मेरा ये क्वेश्चन जो है ना ये रिजॉल्व कर दें, और आपको इतनी अमाउंट में पैसे जो है ना वो मिल जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा अलावा अगर आप सोशल मीडिया के अकाउंट से अप टू डेटेड हैं तो वहां से भी आपको बहुत सारा फायदा मिल जाता है, ठीक है। आपका नेटवर्क जो है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए इन सब में। फीस जो है आपको यहाँ नहीं बताई जाएगी, आप इस नंबर पे कॉल करके डिटेल से पूछ लें, आपको फीस बता दी जाएगी। और इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज जो हैं वो बताए जा रहे हैं, करवाए जा रहे हैं एलएनसीटी पे। आप वहाँ पे भी जो है किसी भी प्रोजेक्ट में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकती हैं। क्लासेस ऑनलाइन हैं और वीकेंड पे भी क्लासेस होती हैं, और इस तरह की डिटेल आपको हर चीज ये जो सामने कॉन्टेक्ट नंबर शो है आपको वहां से मिल जाएगी। फीस तो देखें है और मुनासिब है, लेकिन अब आपको यहाँ नहीं कॉल पे बता दी जाएगी। अच्छा, उसके अलावा अगर अब हम लास्ट पॉइंट पे आए कि इसके एडवांटेजेस जो हैं वो क्या हैं। फ्रीलांसर के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे आप देख लें कि आप पे कोई बर्डन नहीं है किसी बॉस का, आपने बड़े इजी होके वर्क करना है कि जी ये मेरा अपना काम है, मैं कहीं भी किसी तरह भी कर सकता हूँ। आपको सुबह 9 बजे उठ के या 7 बजे उठ के आपको ऑफिस नहीं जाना पड़ता। जी मैं अगर आप मुझे सुने सफदर शेख साहब, तो मैं इसकी वैल्यू बता रही हूँ। वैल्यू अगर एक पॉइंट में आपको अपने पॉइंट से पहले एक और पॉइंट में एडिशन कर दूं तो उसमें मैं आपको ये कहूंगी कि वैल्यू जो होती है ना वो इंसान खुद बनाता है, आप कोई और जो है ना आपकी वैल्यू हमेशा खराब करता है। अगर आप फिजियोथेरापिस्ट को देखें ना तो लोग उनको भी बहुत सारी बातें करते हैं कि जी ये कोई डॉक्टर नहीं है, लेकिन बहुत सारे अगर मार्केट में आप देखें तो फिजियोथेरापिस्ट की कितनी वर्थ है। वो इस तरह है कि उन्होंने अपनी वैल्यू खुद बनाई है, उन्होंने लोगों को खुद बताया है कि हम जो पढ़े हैं ये आम नहीं है, ठीक है। तो आप ये चीजों पे भी फोकस करें कि वैल्यू जो है वो इंसान खुद बनाता है। वो साइकोलॉजिस्ट हो, वो एमबीबीएस डॉक्टर हो, वो पीएचडी होल्डर्स हो, तो ये इट्स डिपेंड ऑन ऑल योर, ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह पॉइंट को लेके चल रहे हैं, तो उस तरह से आपकी वैल्यू बन जाती है। बहुत से फ्रीलांसर ऐसे हैं जो नंबर वन माने जाते हैं पाकिस्तान के अंदर भी, कि लोग कहते हैं कि आप हमारा प्रोजेक्ट पकड़े हैं, लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता और वो नहीं लेते, तो देखिए उनकी वर्थ है। और बहुत से फ्रीलांसर ऐसे भी हैं जिनके जिनके लिए सब रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि जी कि मुझे प्रोजेक्ट देते हैं, मतलब ऑपोजिट है, इट्स डिपेंड ऑन यू, आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से काम कर रहे हैं। जी मैंने पहले भी यही कहा है कि आप थोड़ा सा उस कम्युनिटी में प्लेस बनाएं, अपनी जगह बनाएं, लोगों को बताएं कि आपके पास ये स्किल्स हैं और आप इस पे महारत हासिल करते हैं, और मैं इस तरह से काम करता हूं। अगर शुरू में एक दो प्रोजेक्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी करने पड़ जाएं तो आप कर दें, क्योंकि पता चले कि आप जो काम करें वो बहुत अच्छा है। जब कोई बंदा नेक्स्ट सेटिस्फाई हो जाता है, कम पैसों में कर दें, बिल्कुल फ्री भी मत करें लेकिन करें, ठीक है, तो उससे फिर बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है। जी आपको क्वेश्चन क्या है वो प्लीज मुझे बता दें, फिर मैं आपको भी बता देती हूँ। जी उसके बाद में हम इसके बेनिफिट्स की तरफ आ रहे थे, तो उसमें यही है कि आप देखें आप पे कोई बर्डनाइज नहीं होता, आपका अपना काम होता है, आप अपनी मर्जी से प्रोजेक्ट उठाते हैं, अपने पैसों का उठाते हैं कि जी मैं इतने में काम करूंगा और मैं काम की रेंज इतने दिन में आपको करके दूंगा, ठीक है। उसके बाद आपको सुबह उठना ही नहीं पड़ता, अगर आपके पास बहुत ज्यादा बर्डन है आप आगे से अपने एम्प्लॉयज रख सकते हैं, कोई आपको कोई आपको जो है वो अपना एम्प्लॉय नहीं रख सकता, आप अपने एम्प्लॉय रख सकते हैं मजीद आके। जी सफदर शेख साहब,
मेडिकल स्टूडेंट हैं या आप मेडिकल स्टूडेंट नहीं हैं, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप भी किसी काम करने में कितना एक्सपर्ट हैं या आपका इंटरेस्ट कितना है अपनी अर्निंग पे, आप अपने ऑन पे कितना काम करना चाहते हैं। तो ये फील्ड कोई भी हो, ये मैटर नहीं करती। ये इंसान की अपनी मेहनत होती है और अपने स्किल्स होते हैं जो उसको आगे लेके जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये देख लें कि आपको प्रॉपर्टी आर्ट नहीं होना पड़ता, आपको किसी की बात नहीं सुननी पड़ती, आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए जिसके ऊपर आप वर्क करें, और आप किसी भी जगह पे जाके वर्क कर सकते हैं, सुबह कर सकते हैं, शाम कर सकते हैं, अपनी सारी दिन की कह लें कि काम निपटा के आप आराम से बैठ के 1-2 घंटे में वर्क कर सकते हैं। और इससे आपकी बहुत सारी इसके कह लें कि बेनिफिट्स हैं जो कि आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें कि हमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती कि जी इस तरह काम नहीं करना, उस तरह काम नहीं करना, आप सीधे होके बैठे, आपने आज इस तरह की ड्रेसिंग करनी है, आपने इस तरह बैठना है, इतनी टाइमिंग देनी है, तो इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। आपके अपने ऑन पे सब चल रहा होता है और बहुत अच्छे से चल रहा होता है। तो अगर आप इन सब चीजों को फोकस करें तो ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जिसपे हम अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं, हम नेक्स्ट अपने एम्प्लॉय रख सकते हैं, हम घर बैठे, जिसको कहते हैं ना कि पैसे कमाना, फ्रीलांसिंग एक सादा लफ्जों में की वो चीज है कि हम घर बैठ के पैसे कमा सकते हैं। जी आपको स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा होगा मेरी, अब यहाँ से जाके आप बहुत डिटेल से हर चीज जो है वो जान सकते हैं और हर चीज को प्रॉपर वे में देख सकते हैं। आपको हर चीज की डिटेल बता दी जाएगी इस कॉल पे बात करके जब आप करेंगे, तो आपको इस तरह का कोई मसला नहीं होगा। आपको हर चीज बता दी जाएगी, डिफरेंट कोर्सेज करवाए जा रहे हैं यूनिवर्सिटी पे, तो मुख्तलिफ किस्म के वो भी इससे रिलेटेड हैं। और अगर आप प्रॉपर फ्रीलांसिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो तब भी आपको करवा दीजिएगा बहुत मुनासिब पैसों में और आपके टाइम के अकॉर्डिंग। जी मुझे इजाजत दें, इंशाल्लाह मैं इस प्लेटफॉर्म पे दोबारा जरूर आऊंगी और फिर हम किसी अच्छे टॉपिक के साथ इस चीज को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, जजाकअल्लाह, एंड थैंक यू सो मच।